हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,50,000. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट नाउ, यानी हमारा क्या हो गया बेटा, रिवेन्यू ओवर देन एक्सपेंसेस, यानी हमारा डिफरेंस ऑफ रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट. अब सेम जरूर थोड़ा ना प्रॉफिट ही हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस, यानी लॉस को कैसे इनकर करेंगे. मे बी हमें शर्ट बनाने बेटा अगर 1,200 रुपीज एक्सपेंसेस हो जाती है, 1,100, अगर हमारी शर्ट की जो कॉस्ट है दैट इज 1,100 रुपीज, तब हमारे एक्सपेंसेस कितने होते. 1,100 इज मल्टीप्लाई 500, इट मीन्स कितना हो जाएगा 5,50,000. इन दिस केस व्हेन वी कंपेयर 5,50,000 एंड 5,00,000, इट मीन्स क्या हो जाएगा, वी गॉट लॉस नॉट प्रॉफिट, क्योंकि एक्सपेंसेस ओवर देन रिवेन्यू. तो यहाँ पर हमारे जो 50,000 है वो हमारा क्या कहलाएगा, लॉस. तो इट मीन्स आप क्लियर हो गया बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस. रिवेन्यू मीन्स टोटल रिसीव फ्रॉम टोटल सेल. एक्सपेंसेस एनी कॉस्ट आपकी कितनी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विच इंकर्ड है गुड्स एंड सर्विसेज. देन प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट क्या है, मोर यानी रिवेन्यू मोर देन एक्सपेंसेस. एंड लॉस क्या है, एक्सपेंसेस मोर देन रिवेन्यू. ये हमारे यहाँ तक टर्म्स हो गए. ये भी अपने डेली रूटीन लाइफ में वर्ड सुनते हैं, डिस्काउंट. डिस्काउंट क्या होता है, हमने कहा आज एक टॉप या फिर कहते हैं शर्ट परचेज की है, वो डिस्काउंट. डिस्काउंट का मतलब है एनी टाइप ऑफ डिडक्शन जो हम सेल पे या परचेज पे हम इनकर करते हैं, यानी लेते हैं, यानी एनी टाइप ऑफ डिडक्शन ऑन प्राइस, यानी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज. किसी भी सर्विसेज किसी भी प्रोडक्ट पे जो डिडक्शन हमें मिलती है उस डिडक्शन को हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डिस्काउंट. देन नेक्स्ट वर्ड इज वाउचर. दिस इज ऑल्सो ए डिफरेंट वर्ड इन अकाउंट्स. वाउचर किसे कहते हैं जाती है, यानी एक तरीके की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. विदाउट वाउचर वी कांट रिकॉर्ड इन अकाउंट्स. देखो हम घर पे आज आपने पापा से कह दिया पापा 1,000 रुपये खर्च हो गए जो मेरे पास थे, पापा ने मान भी लिया और आगे आपको दूसरे अमाउंट जो भी आपका जो पॉकेट मनी है 500 रुपीज़ जोड़ दे दी. बट अकाउंट्स में बेटा विदाउट वाउचर्स यानी विदाउट एनी डॉक्यूमेंट एविडेंस वी कांट रिकॉर्ड इन अकाउंट्स. क्योंकि हमें क्या चाहिए, यानी अगर सेल की है, परचेज की है, कोई रिसिप्ट की है, पेमेंट की है, वी नीड सम एविडेंस, वी नीड सम डॉक्यूमेंट कि आज ये इवेंट या ये आज ये ट्रांजेक्शन हुई है. उन एविडेंस को डॉक्यूमेंट्स को हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, वाउचर्स. चेक है, कैश बिल है, ठीक है, दीज आर कॉल्ड आपका बिल्स, कोई आपने लेटर बनाया हुआ है दैट इज कॉल्ड वाउचर्स. नेक्स्ट वन गुड्स. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, गुड्स क्या होते हैं, हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया है शर्ट वाला जो एग्जाम्पल सेम में देते हैं आपको. ये क्या है, बिजनेसमैन ही तो है, बिजनेस ही तो है, ठीक है, बिजनेस डीलिंग इन शर्ट ना. बिजनेस किस में डील कर रहे हो, शर्ट्स में. यानी एक यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमको किस चीज़ का बिजनेस है उसका, यानी गारमेंट्स का बिजनेस है और उस गारमेंट्स में उसने शर्ट जो है दैट इज कॉल्ड गुड्स. एक बिजनेस जो रेगुलर बेसिस पे जो एक्टिविटी करता है, यानी जो सेल के लिए रीसेल के पर्पज से जो भी गुड्स हमें मैन्युफैक्चरिंग करता है उसे हम क्या कहते हैं, गुड्स. इट मीन्स यहाँ इस बिजनेस के लिए शर्ट क्या है, गुड्स. इसने शर्ट बनाने के लिए मशीन भी परचेज की हुई है, ठीक है, मशीनें भी ली हुई हैं. इसके अलावा इसने भी वहाँ पर बैठने के लिए तो है नहीं कि वहाँ टेबल चेयर यानी फर्नीचर भी लिया हुआ है बेटा, लाइटिंग भी करवाई हुई है. ये सारी चीज गुड्स नहीं है, ये उस बिजनेस की एसेट्स है. क्योंकि जो एसेट्स होती है बेटा उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये हम लोग सेल के पर्पज से नहीं लेते, इसको हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को डील करने के लिए परचेज करते हैं. यानी इस बिजनेस के लिए दीज आर कॉल्ड एसेट्स एंड बट शर्ट्स आर कॉल्ड गुड्स फॉर एग्जाम्पल. लेकिन यही चीज अगर जो मशीन बनाने वाली फैक्ट्री है उसके लिए मशीन क्या कहलाएगा, गुड्स. क्योंकि मशीन वहां पर किस लिए हम लोग डील कर रहे हैं, आगे रीसेल के लिए, बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए. एक सिंपल सा अगर मान लो मेरा एक बिजनेस सेंटर है कि मैं एज ए सेल्समैन या कोई भी मैं ट्रेडिंग का बिजनेस कर रही हूँ, तो वहां पर मैं कोई भी व्हीकल यूज करती हूँ दैट इज माई एसेट्स. लेकिन एक व्हीकल जो आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसके लिए वो व्हीकल चाहे वो बाइक है चाहे वो गाड़ी है वो उसके लिए क्या है आपकी गुड्स. यानी जिसे हम रेगुलर बेसिस पे डील करते हैं, रेगुलर बेसिस पे सेल और परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, गुड्स.
उसका मतलब है क्या आपका अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड गुड्स या स्पेयर, यानी वो गुड्स जो अभी सेल नहीं हुआ है। अब एक शॉपकीपर से आज पूरा दिन में जो सेल होने के बाद में जितना भी स्टॉक जितना भी आपके गुड्स उसके शॉप पे अवेलेबल हो सारा क्या रहा होता है स्टॉक, स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, फिनिश गुड्स का भी हो सकता है, बट इन्वेंट्री इसको दूसरा नाम हम लोग कॉमन लैंग्वेज में इन्वेंट्री वर्ड यूज करते हैं, इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्री, स्टॉक इन हैंड, इट मींस स्टॉक, इट मींस अनसोल्ड स्पेयर एक्सेस गुड्स जो अभी सेल प्रोसेस में है सेल नहीं हुआ है वो हमारा क्या कहलाता है स्टॉक। नाउ नेक्स्ट टू डिप इम्पोर्टेंट वर्ड डेटर्स एंड क्रेडिटर्स से बोलते हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। सिंपल सी लैंग्वेज में डेटर्स जो होते हैं वो हमारे क्या आता है जिनसे हमें पैसा लेना है हमारे लेनदार, यानी फर्म्स ओज टू, यानी हमारा जो है डेट ओज टू फर्म, ओज टू फर्म यानी जिसका यानी जिसने फर्म से लिया हुआ है। ये कब क्रिएट होते हैं मोस्टली अगर हम क्रेडिट सेल करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, क्रेडिट सेल का मतलब है सेल तो भी लेकिन उसने पैसे अभी दिए नहीं है, दीज आर यानी एनी कोई भी पर्सन हो सकते हैं। क्रेडिटर्स का मतलब है इट इंडिकेट पर्सन्स, इट इंडिकेट्स फर्म्स, एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड डेटर्स, इट मीन जिनसे यानी फर्म ने क्रेडिट सेल या पैसा दिया हुआ है वो हमें फ्यूचर में पेमेंट करेगा, वो हमें यानी फ्यूचर में उनसे पैसे हमें लेने हैं, इट मीन दीज आर एसेट्स क्योंकि इनसे हमें पैसे फ्यूचर में आपको क्या कर रहे हैं लेने हैं, तो वो हमारे क्या कराते हैं डेटर्स। इसी का अपोजिट क्रेडिटर्स जिनको पैसे हमें देने हैं हमारे लेनदार, इट मीन्स यानी ये कब क्रिएट होते हैं हमारे क्रेडिट परचेज के टाइम पे। आज मैंने कुछ सामान खरीद के लेके आई लेकिन आज मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने कहा आफ्टर 15 days आई थी, तो इट मीन्स दैट टाइम क्रिएट क्रेडिटर्स जिनको हमें पैसे देने हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा क्रेडिटर्स, दीज आर लायबिलिटीज, ये हमारी लायबिलिटीज हैं और ये हमारी क्या बेटा एसेट्स है क्योंकि इनसे तो पैसे लेने हैं आए हैं हमारे पास, ये हमारी एसेट यानी हमारी वेल्थ है और इनको हमें देने हैं तो ये हमारी लायबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी हैव टू पे इन फ्यूचर। जैसे यानी डेटर्स हम पर्सन से ग्रुप ऑफ पर्सन को इंडिकेट करते हैं, डेटर्स जिनसे पैसे लेने हैं, क्रेडिटर्स जिनको पैसे देनी है वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, यानी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। दीज मेन मेन जो आपको टॉपिक्स बेटा इसके अलावा आपको मैंने एक बुक सेंड की हुई उसमें 15 or 16 आपके अकाउंटिंग टर्म्स है जिनमें एक दो चीज़ें परचेज और सेल आपको पता है इन चीज़ों के बारे में, और इसके अलावा जो मेन मेन जो न्यू टर्म्स है आई ऑलरेडी कवर, आप इनको अपनी लैंग्वेज में अपनी बुक अपग्रेड करने के बाद नोट्स में की रूफ फॉर्म में राइट करेंगे, कोई भी डाउट है आप डाउट ले सकते हैं। After that, we take next topic in our next video. Okay?